हमास से जंग के बीच इसराइल के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इस फ्लाइट में 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इसराइल से लौटे 212 भारतीय तस्वीरें सामने आए। ऑपरेशन अजय के तहत वॉर जोन से वतन वापसी इन सभी की हुई है और जैसे ही सभी लौटते हैं उसके बाद देखिए स्वागत सत्कार की भी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इसराइल में जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद लगातार तनाव में यहाँ के भारतीय थे। इधर